हाय, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हमारे यहाँ गुड़ बनने वाला है। तो गाइस, गुड़ बनने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, और जो गन्ने के रस को पका कर वो कम से कम 5 घंटे में गुड़ बन के तैयार होगा। तो चलते हैं हम फिर वीडियो में। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर भैया गन्ने को लगा रहे हैं, और ये इसमें मशीन में से गन्ने का रस निकल रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये गन्ने का रस जो है वो टंकी में गिर रहा है। नीचे टंकी बनी हुई है, और ये बाल्टी बाल्टी हम लोग लेके जा रहे हैं अपने घर पे। ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारी मशीन जो है यहाँ पट्टे की वजह से चल रही है। और यहाँ पे जो अंदर घर है उसके अंदर देखिए आप मोटर लगी हुई है, और उसी की मदद से जो हमारी मशीन है वो वर्क कर रही है। और अभी जो ये देख सकते हैं आप, जितना भी ये गन्ने का चेप निकल रहा है इसको ले जाके अभी हम घर के सामने सुखा देंगे। तो देखिए अभी देखो, आज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाके गन्ने की चेप फैलाई हुई है। अभी ये सूख जाएगी तो ईंधन के काम आएगी। तो गाइस देखिए, जो रस को है पकने के लिए कढ़ाई में डाल रहे हैं। तो गाइस, जो गन्ने का रस है वो पकना शुरू हो गया है। ये देखिए आप, यहाँ से धुआं निकल रहा है इसका धुनके में से, और वहाँ देखिए उधर से सब ईंधन लगा रहे हैं। ये हमारा रस जो है पकना शुरू हो गया है। इसको अभी छाना नहीं है, अभी जैसे ही ये थोड़ा पक जाएगा तो अपने आप इसका कचड़ा जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं हमारा रस जो है थोड़ा पक चुका है, और इसका देखिए कचड़ा ऊपर आया। छन्नी की मदद से इसको छान रहे हैं। ये देखिए, छानने के बाद जो रस है एकदम साफ हो जाएगा। इसको अभी पूरा निकाल देंगे। जो ऊपर कचड़ा आया है उसको 2 से 3 बार निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जो कचरा एक बार फिर ऊपर आ गया है, और इसको अभी फिर से साफ करना पड़ेगा। तो गाइस, जो हमारा जो रस है वो अब देखिए पकना शुरू हो गया है, और उसमें उबाल भी आने लगा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना इसमें से अब देखिए भाप निकलने चालू हो गया है। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हैं जो रस है वो अब गाढ़ा हो चुका है, और अब कुछ ही देर में अब ये जो है एकदम पक के तैयार हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में एंड तक बने रहना। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हैं जो रस है उसमें से पूरा कचड़ा जो है साफ हो चुका है, और इसमें अब बिल्कुल भी कचड़ा नहीं बचा है, रस एकदम साफ दिख रहा है। तो गाइस, ये जो रस है वो 2 से 3 घंटे में पक के तैयार हो जाएगा, और अभी और गाढ़ा होगा। गाइस यहाँ पे जो रस है वो पक के आधा से भी कम हो चुका है, और कुछ ही देर में एकदम कम हो जाएगा। देखिए, और आँच एकदम तेज लग रही है इसमें। तो गाइस देख सकते हैं आप भट्टी में कितनी तेज आँच लग रही है, और कुछ ही देर में हमारा जो रस एकदम पक के तैयार हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो रस है वो पक के तैयार हो चुका है, और करीब आधे घंटे में गुड़ बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो गाइस, जो ये गुड़ है इसको चलाना पड़ रहा है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो मैं भी जाने वाला हूँ चलाने, तो मेरा एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता है, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो गाइस, इसको चलाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो रस एकदम गाढ़ा हो चुका है, और अगर नहीं चलाएंगे तो जल जाएगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है इसको चलाने में। गाइस एक ट्रिक से इसमें पता चलेगा कि गुड़ बनने के लिए तैयार है कि नहीं, तो अभी उसको दिखाता हूँ आपको। जब तक ये पक नहीं जाता तब तक इसको ऐसे ही हिलाना पड़ेगा। पकड़ते हैं यार। हाँ, ले बोलिए। नहीं मर गए, ले ले।
अच्छा फूक के हमें दे हम बने अरे ऊपर हम उड़ावत हूं अरे अरे बस ना आई आवाज आता ना अरे चल और यही अब होइए अब आ जाए भावा अरे पकड़ ले हां फूल पकड़ ले गोलियां अलग कावा छोड़ दे बंद कर दे वीडियो इस ट्रिक से ये पता चलता है कि गुड़ अभी बांधने लायक हुआ है कि नहीं। तो अब हमारा जो गुड़ है वो बांधने लायक हो चुका है और अब इसको परात में निकालने वाले हैं। तो आप वीडियो हमारे साथ एंड तक बने रहें, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। कैसे लेके ऊपर ज्यादा कह दी अब रहा जो ही दे तो देखिए जो गुड़ है चारों परातों में निकल गया है। अरे नहीं दौड़ावा तो कजनी के ना दौड़ा। जब तक ये सूख नहीं जाता उसको ऐसे ही डंडे की मदद से ऐसे इसको चलाते रहेंगे और जितना ही अच्छा चलाएंगे उतना ही नरम गुड़ बनेगा और अगर नहीं चलाएंगे तो गुड़ जो है हमारा खराब हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप जो हमारा शुद्ध देसी गुड़ है वो एकदम बन के तैयार हो चुका है और ये किसी भी प्रकार का इसमें केमिकल नहीं यूज हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो गुड़ है वो बन के रेडी हो चुका है। देखिए कितना नरम है। और मैं अब वीडियो को अपने यहीं पे एंड करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।